तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला छाछ और उसके पाउडर कैसे बनाते हैं, आज की रेसिपी मेरी यही है। तो प्लीज़ रेसिपी फुल देखिए, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फुल वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कि छाछ का मसाला हम साल भर कैसे रख सकते हैं, सिर्फ छाछ नहीं, हम चाट पापड़ी या दही भल्ले या कोई भी जैसे चटपटा चीज़ हो या फिर मटर हो, घुगनी हो, उसके ऊपर भी ये मसाला हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टेबल स्पून काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, साथ में जाएगा 1/4 कप जीरा। तो जीरा अगर आप पहले से देख लीजिएगा इसमें अगर कंकड़ वगैरह हो, तो मैंने देख लिया है कि जीरा यहाँ साफ़ है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसमें दे दिया है पैन में। 1/4 कप मैं यहाँ पे दे रही हूँ अजवाइन, ये रेडीमेड जैसे मार्केट में मिलता है, नमक इसमें रहता ही है, नमक नींबू मैं ये यूज़ करती हूँ। और चाहिए 1/4 कप साबुत धनिया। अब इसको लो फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट रोस्ट हो गया है, तो अभी इसको गैस को हम बंद कर देंगे और इसी जो पैन गर्म हो गया, क्योंकि ये लोहे का है पैन, तो इसमें ये जितना गर्म हुआ है इसी में ये रोस्ट हो जाएगा। हमें इसे बहुत ज़्यादा एकदम से डार्क कलर नहीं देना है, इसी में ये रोस्ट हो जाएगा, बस हम ऐसे थोड़ी देर चला के इसे छोड़ देंगे। मैंने गैस भी ऑफ कर दिया है। तो मसाला हो गया है रोस्ट, अभी इसे पाउडर करेंगे। और मेरे पास कुछ सूखे हुए पुदीने के पत्ते थे जो मैंने सूखा दिया था, तो इससे फ्लेवर अच्छा होगा। आप दे भी सकते हैं, ना भी दे तो भी कोई नहीं है। इससे क्या होगा ना, जब हम छाछ बनाएंगे उसमें एक पुदीना का फ्लेवर आएगा। आपके पास सूखा पुदीना ना हो तो आप जब इसको बनाए छाछ को, तभी आप फ्रेश पुदीना भी इसके अंदर ब्लेंड करते टाइम दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए अभी पाउडर बना लेते हैं। तो ये मसाला मैंने पाउडर कर लिया है, देखिए एकदम फ्रेश। इसको अभी सारा मैं पाउडर कर लेती हूँ, फिर इसमें क्या क्या मिक्स करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो अभी मैं मिला रही हूँ यहाँ पे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हींग इसमें मिला दूंगी। सारा मसाला मैंने पीस लिया है, देखिए बिल्कुल बारीक कीजिएगा इसको, दरदरा नहीं पीसना है हमें इसे। और साथ में मैं दे रही हूँ 1/3 कप, देखिए 1/3 कप काला नमक, वो भी मैंने पीस लिया है, ये साबुत था मैंने इसे पीस लिया है। इसे भी मिक्स कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करना है। और साथ में ये प्लेन जो हमारा नमक होता है वो भी मैंने दे दिया, वो भी 1/3 कप है, थोड़ा सा कम है क्योंकि मैंने रेडीमेड अजवाइन लिए थे जिसमें नमक रहता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें कम कम डाला है। तो ये मिक्स कर दिया मैंने सारा। अजवाइन अगर आप फ्रेश ले रहे हैं, मार्केट वाला नहीं, जैसे कि कच्चा ले रहे हैं, तो उसको धो के सुखा कर आप इसमें रोस्ट कीजिए। और अगर मार्केट वाला ले रहे हैं जिसमें नमक और नींबू वगैरह रहता है, तो उसमें क्या कीजिएगा, तब आप नमक थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा जैसे मैंने किया है। तो ये मिक्स हो गया है, अभी हम एक एयरटाइट जार में इसे रख देंगे। तैयार हो गया हमारा छाछ मसाला। ये छाछ मसाला आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाट पापड़ी बनाइए, दही बड़े बनाइए, या आप कोई भी फ्रूट चाट बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, नींबू पानी वगैरह उसमें भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। और साल भर के लिए आप देखिए ये बन के तैयार हो गया है, अब आपको रोज़ रोज़ बनाने की झंझट नहीं होगी कि छाछ मसाला रेडी करेंगे तभी बनाएंगे। तो इस तरह से आप बना के जार में रख दीजिए और जब चाहे यहाँ से निकाल के आप बना लीजिए। तो मसाला छाछ के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा फ्रेश ये पुदीना, और यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और ले लिया है छोटे ये हरी मिर्च है, ये मैंने इसलिए 3 लिया है। आपको जितना क्वांटिटी बनाना है उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तीखा भी तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे ये देखिए ये जो मसाला हमने रेडी किया है, ये हम इसमें यूज़ करेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच ही बहुत है, इस चम्मच के 1/2 चम्मच। और मैंने ले लिया है ताज़ा दही घर के बने हुए, आपके आप पैकेट का भी ले सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के मैंने ताज़ा दही लिया है, आप घर पे भी बना हुआ दही ले सकते हैं, बाहर का जो पैकेट में आता है या बॉक्स में आता है वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो हरी मिर्च है और ये धनिया पुदीना और ये जो मसाले हैं इसको सबसे पहले हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च पुदीना और
धनिया दे दिया है। अब इसमें मैं दे रही हूँ ये जो हमने ताज़ा मसाला रेडी किया है, ये हाफ चम्मच इसमें दे रही हूँ। इसका अभी हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद हम दही ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और हरी मिर्च पीस लिया है, साथ में हमने छाछ मसाला दे दिया। जितना क्वांटिटी आपको छाछ बनाना है उसी हिसाब से आप ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी इसमें अच्छा नहीं लगता है, बस हल्का सा इसमें फ्लेवर चाहिए होता है, बाकी हमारा छाछ जो है वो वही टेस्ट लाता है इसके साथ, इसीलिए थोड़ा सा ही चाहिए। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पे मैं 1 कप भर के दही दे रही हूँ और इसी कप के 2 कप पानी दूंगी। ये 2 कप पानी मैंने इसमें दे दिया है, अभी इसे ब्लेंड कर लेंगे देखिए, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। तो हमने ये ब्लेंड कर लिया है, अब हम सर्विंग करेंगे। तो इतना सा ही होता है, जैसे आपने मसाला घर पे रेडी कर लिया है, दही आपके पास है, पानी दे दिया है और अपना मसाला छाछ रेडी हो गया है। तो चलिए अभी सर्व करते हैं। तो अभी मैं सर्विंग के लिए आ गई हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े से बर्फ़ ले लिया है, तो अभी ग्लास भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे रख दिया और अभी हम जो बटर मिल्क यानी छाछ बनाया है इसे डाल देते हैं। तो हमारा मसाला छाछ बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी हमने जो ये मसाला बना के रखा है तो ऊपर से हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे ऐसे, इस तरीके से, और ये ताज़े पुदीने के पत्ते आप रख दीजिए। देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आपका मसाला छाछ बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स देखिए ठंडा ठंडा हमारा मसाला छाछ बनके बिल्कुल रेडी है, देखिए कितना यम्मी लग रहा है, एकदम जैसे अभी हम दुकान में बैठे हैं और किसी ने हमें बना के दिया है। तो घर पे भी हम इसी तरीके से बना के पी सकते हैं मसाला छाछ। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे ये आज के वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह एयरटाइट जार में भी आप रख के पूरे साल ये मसाला आप किसी भी जैसे आइटम होता है चाट पकौड़े या फ्रूट चाट हो गया, ऐसे मसाला छाछ हो गया, दही बड़े के ऊपर आप ये मसाला ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगी फिर एक नए रेसिपी में, तब तक कुक एंड बेक को देखते रहिए। बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।